जय सियाराम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है दिसंबर मास का मासिक लग्नफल। एक एपिसोड जिसमें मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में बताया गया है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, और उसके बाद कर्क, सिंह और कन्या का एपिसोड भी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो ना देखे हों तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप देख सकें। और आज का जो एपिसोड है वो उससे अगली तीन लग्न तुला, वृश्चिक और धनु के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये लग्न पर आधारित करके बनाया जा रहा है। आप इसे चाहें तो राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और मेरा अनुभव कहता है कि लग्न के हिसाब से ही देखा जाना चाहिए, उसके फल थोड़े ज़्यादा सटीक होते हैं, ज़्यादा अच्छे प्रतीत होते हैं। तो क्या क्या चेंज इस पूरे महीने में हो रहे हैं, इस बात को एक जरा जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन, कुल छह तरह के कुल परिवर्तन संभव हैं जिस महीने में हो रहे हैं। 4 तारीख को मंगल जो तुला राशि में अभी हैं वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 4 दिसंबर को। इसके बाद 9 तारीख को शुक्र अपनी राशि बदलेंगे और वो मकर में चले जाएंगे। अभी वो धनु में, फिर वो मकर में चले जाएंगे। 11 तारीख को बुध वृश्चिक राशि से धनु में चले जाएंगे। 16 तारीख को सूर्य भी बुध के साथ जाके ज्वाइन कर लेंगे और वो भी धनु राशि में चले जाएंगे और वहाँ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। वो अभी भी हो रहा है लेकिन तब बिल्कुल सेपरेट बन जाएगा और किसी ग्रह के साथ उसमें दृष्टि नहीं रहेगी। 19 तारीख को शुक्र वक्री हो जाएंगे और 30 तारीख को बुध अपनी राशि फिर बदलेंगे एक ही महीने में 2 बार, और बदल करके मकर में चले जाएंगे। तो ये कुल 6 परिवर्तन हो रहे हैं। और इन 6ों का क्या लमसम प्रभाव देखने में आएगा या किस तरह उसे देखा जाना चाहिए, उसी संबंध में चर्चा करेंगे। मैं एक एक करके अपनी लग्नों को लेता हूं। और पहली लग्न हमारी है तुला। पहली इसलिए कहा गया है क्योंकि आज के एपिसोड में तुला लग्न हमारी पहली लग्न है, वैसे 7वीं लग्न है। तो तुला लग्न के लिए स्थिति क्या है कि 4 ग्रहों का जमघट हो रहा है दूसरे भाव में, सूर्य, बुध, मंगल और केतु। पहले 4 दिन तक मंगल जो है वो तुला राशि लग्न में रहेंगे, उसके बाद पूरे महीने लगातार वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, इसलिए मोटे तौर पर वो वृश्चिक राशि का ही ज़्यादा असर आएगा, ऐसा एक लमसम लेके चलिए। और फिर शुक्र जो हैं धनु राशि में बैठे हैं, तो इन सब का कैसे कैसे प्रभाव आएगा, वो कब कब बदलेंगे, चंद्र के बदलने से क्या क्या प्रभाव देखने में आएगा, मैं बताऊँगा। आप स्क्रीन पर जो पिक्चर देख पा रहे हैं उसमें मैंने 5 ग्रहों को नीले रंग से लिखा है। इसका अर्थ यह है कि वो ग्रह एक बार भी अपनी राशि इस पूरे महीने में नहीं बदलेंगे। 3 ग्रहों को लाल रंग से लिखा है जिसमें मैंने सूर्य, बुध और शुक्र को लिखा है, क्योंकि मंगल पहले 4 दिन में राशि बदल लेंगे और फिर पूरे महीने नहीं बदलेंगे, इसलिए उसको भी नीले रंग से लमसम दिखा दिया गया है। चंद्र बराबर अपनी राशि जल्दी जल्दी बदलते हैं, तो इस कारण से उसको यहाँ शो नहीं किया है। मैं कुछ तारीखें वैसे ही बता दूंगा जब जब उनकी परिस्थितियां अच्छी या खराब होंगी। तो लग्न के जो स्वामी की स्थिति है, अगर हम पहले भाव पे ध्यान देते हैं शुक्र, तो पहले 9 दिन तक वो तीसरे भाव में है। लग्नेश की स्थिति तीसरे भाव में आ रही है। यहाँ पे ठीक है स्थिति, सम राशि में है, ना ज़्यादा अच्छी हालत है ना खराब हालत है, पर एक जबरदस्त राजयोग का निर्माण हो रहा है और वो है शशक महायोग। बहुत लंबे समय से हो रहा है, 2 साल हो गया करीब करीब, और उसकी पूरी 10वीं उच्च दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है। तो जो योग बन रहा है वो भी बड़ा सुंदर है और उसकी दृष्टि का फल भी बड़ा सुंदर मिल रहा है। तीसरी दृष्टि उसकी जहां आ रही है वो 6ठा घर है, जहां वो शत्रुओं को कंट्रोल कर रहा है, और 7वीं दृष्टि शत्रु भाव से 10म भाव को देख रहा है। तो एक एक करके हम सारे भावों के हिसाब से लेके चलते हैं तो बात समझ में आसान हो जाएगी। तो लग्न पर जो प्रभाव आ रहा है किस ग्रह का आ रहा है, अभी इस महीने में हमारे लिए जो बात हो रही है, बृहस्पति की पूरी पूरी दृष्टि लग्न पर है और शनि की भी पूरी पूरी दृष्टि लग्न पर है, और किसी भी ग्रह की नहीं है। लग्नेश पर सीधे सीधे किसी की दृष्टि नहीं है, लेकिन पहले 9 दिन जो हैं वो तीसरे घर में रहेंगे, बाद में फिर वो 4थे घर में आ जाएंगे। तो ऑन दी होल लग्न की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति की कृपा उसे प्राप्त हो रही है, ये भी एक अच्छा योग है। तो सेहत को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर, सुंदरता को लेकर मोटे तौर पर कोई समस्या नहीं है। सही मौके पे सही काम करने की प्रेरणा आती है अच्छे स्वस्थ दिमाग से,
जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो दिमाग भी ठीक रहेगा और उससे आपसे हमारे फैसले भी ठीक होंगे, ये भी एक तरीका है। तो तुला लगन के लिए लमसम पूरे महीने स्थितियां ठीक रहने वाली, इसमें बहुत कुछ खराब और बहुत कुछ गड़बड़ लगन के हिसाब से, विचार के हिसाब से, सेहत के हिसाब से ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियों की बात करते हैं तो लगातार मंगल और केतु पूरे महीने यहीं पर बने रहेंगे और ये क्रोध देते हैं, अलगाव देते हैं, बिखराव देते हैं, तो थोड़ा ऐसा देखने में आ सकता है खास तौर पर पहले 15-16 दिन कि बहुत अच्छे तालमेल आपके अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ना हो, उनमें कुछ दिक्कतें देखने में, आपकी भाषा की कटुता भी यहाँ पर देखने में आ सकती है। इस भाषा की कटुता से हम थोड़े से संबंधों को कम करते हैं, मतलब हमारे संबंध घटेंगे, उनसे तालमेल घटेंगे, जिसका हमें थोड़ा बहुत नुकसान देखने में आ सकता है। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, सुंदर बनी रहेगी, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं दिखाई देती। तो धन की अच्छी स्थिति है, परिवार के साथ थोड़ी कटुता रहेगी पहले 16 दिन, बाद में वो प्रेम और अपनापन बढ़ जाएगा, ये एक स्थिति देखने में आएगी। अलावा इसकी एक और चीज़ है कि वैवाहिक जीवन के एक और तरीके से अगर हम देखें तो सप्तम भाव से अष्टम भाव है, यानी आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य या उम्र का स्वामी भी है दूसरा भाव। तो कुछ हद तक कुछ चोट, कुछ खून से संबंधित तनाव, कुछ ब्लड प्रेशर है, इससे मिलती जुलती कुछ समस्याएं भी जीवन साथी को देखने में आ सकती हैं। इस संबंध में बात आपको समझने की जरूरत है। प्रयासों के घर की स्थिति अच्छी है, लगातार अपने से तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में बैठा है, यानी प्रयासों के फल मिलने की उम्मीद अच्छी है। देखिए कैसे, तीसरा भाव हमारे प्रयास, तीसरे से तीसरा भाव से भाव हो गया पांचवा, पांचवें का स्वामी राजयोग बना रहा है शनि, और ग्रह तीसरे से तीसरे में बैठा है, तो कोई खराब स्थिति यहां पे नहीं है। आपको आपके प्रयासों के सुंदर फल, भाइयों से तालमेल की स्थितियां, अगर हम एक और तरीके से इसको ऐसे कहते हैं कि शत्रुओं पर भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जो शत्रुओं का भाव है उसका दशम भाव है ये। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां सुंदर बनी रहेंगी, लगातार इसमें सहयोग प्राप्त होगा, उनके साथ तालमेल होंगे, नए कुछ चीजें जुड़ सकती हैं, कुछ नया नई गर्म जोशी भी उसमें देखने में आ सकती है, जिसका आपको कुल मिलाकर फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं। जब प्रयास अच्छे होते हैं तो रिजल्ट आते हैं तो आदमी और अधिक प्रयास करने का कोशिश कर सकता है। सुखों के घर में चौथा घर में लगातार शनि देवता विराजमान है, परिस्थितियां ठीक हैं, मकान का, वाहन का, उच्च शिक्षा का अच्छा योग रहेगा, घूमने फिरने के अच्छे योग यहाँ पे लगातार बने रहेंगे, माँ से तालमेल की स्थितियाँ लगातार अच्छी बनी रहेगी, इसमें कहीं ऐसी कोई गड़बड़ झाला नहीं है। फिलहाल राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ने से थोड़ा बहुत तो स्वास्थ्य की तकलीफ देखने में आ सकती है, माता जी को थोड़े से भागदौड़ देखने में आ सकती है। इसके संबंध में थोड़ी जागरूक रहना जरूरत है कि जब हम बहुत से काम करते हैं तो कुछ से हमसे कुछ इतनी गलत काम ना हो जाएं जिसमें कानूनी झंझट आ जाए। तो राहु का प्लेसमेंट यहाँ आठवें घर में रहना ये बहुत शुभ स्थिति नहीं है, ये कानूनी दिक्कतें भी दे सकता है, ऐसा भी एक तरीका है देखने का। तो सुखों के लिए राहु के कारण कुछ तनाव, शनि के कारण कुछ पॉजिटिविटी, माता जी के साथ तालमेल की दिक्कत, औंधी हो लाभ की इमेज ठीक रहने वाली है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है। संतान सुखों की स्थिति बात करते हैं, बृहस्पति का यहाँ बैठे रहना कुछ हद तक संतान के सुखों की कमी करता है, जहाँ बृहस्पति बैठते हैं और अकेले बैठे हैं कारक में तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां कर देते हैं, ये भी एक तरीका है। तो ज्ञान को लेकर, सोच समझ को लेकर, प्लानिंग्स को लेकर, बुद्धि को लेकर के तो ठीक रहने वाला है। डाइजेशंस को लेकर के स्थितियां 19-20 दिक्कत में आ सकती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन संतान के साथ तालमेल की स्थितियों को थोड़ा दिक्कत देखने में आ सकती है, तो इसका संबंध में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों से तालमेल, वो आपके पीठ पीछे क्या करते हैं ये आपको समझ ध्यान देना है, उनकी कुछ भूल चूक आपको भारी पड़ सकती है, इस पर ध्यान देना है। जो कम उम्र के हैं जिनके विवाह हो गए और संतान की प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए संतान के प्राप्त होने का योग तैयार होगा, यानी उनके लिए अच्छी खबरें मिल सकती हैं कि वो पिता या माँ बनने वाले हैं, ये बड़ी अच्छी स्थिति हो गई। जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह की परिस्थितियां भी बृहस्पति के इस गोचर के कारण साफ साफ बनती दिखाई देंगी। तो विवाह जो चाह रहे हैं विवाह, जो पढ़ाई लिखाई का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई, जो संतान के इच्छुक हैं उनके लिए संतान का, और जो भाग्य के इच्छुक हैं उनके लिए भाग्य का, और जो आमदनी के इच्छुक हैं बृहस्पति की अकेली कृपा से ये सारे कृपाएं प्राप्त हो रही हैं, सेहत भी, संतान भी, ज्ञान भी, बुद्धि भी, विवाह का सुख भी, धर्म का सुख भी, पिता का सुख भी, और आमदनी का सुख भी, इतनी चीजों को बृहस्पति अकेले संभाल रहे हैं।
शत्रु पक्ष की स्थितियां एवरेज रहेंगी, लेकिन शत्रु पक्ष के स्वामी का यानी गुरु का पंचम भाव में होना ही कहीं ना कहीं आपके और बच्चों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट ना हो, कुछ खींचता ना हो, ऐसा हो सकता है। यानी अगर बच्चे बड़े हैं, बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा उनसे प्रेम से लेकर के चलिए, थोड़ा व्यवहार अच्छा सा बना के चलिए, आपको कम से कम समस्या देखने में आएगी। वैवाहिक जीवन में सिक्को स्वामी पहले चार दिन तक तो लग्न में रहेगा तो स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि अपने घर को स्वदृष्टि से देखेगा। लेकिन पहले चार दिन के बाद अगले 24-25 दिन लगातार वो अपने से आठवें घर में रहेगा, स्वग्रह ही रहेगा, लेकिन उस पर राहु की पूरी पूरी दृष्टि भी रहेगी। तो ये कोई बहुत सुंदर स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं खींचतान या तनाव देखने में आ सकता है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की कुछ कमी देखने में आ सकती है, या ससुराल वालों का बेमतलब का दखल भी देखने में आ सकता है, जिसके कारण आप तनाव महसूस करें, या खींचतान हो, या लड़ाई हो, या कुछ झंझट भी हो सकता है। तो थोड़ी सावधानी की आपको यहाँ पे बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तरीके से लेके चलोगे तो कम से कम दिक्कत आएगी। अब होगा क्या कि जब शुक्र अपनी राशि बदल लेंगे 9 तारीख को, तो शुक्र शनि की युति हो जाएगी, जिस पर राहु की दृष्टि भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये भाव देखिए, शुक्र और शनि कहाँ बैठे हैं, चौथे भाव में, जो सप्तम भाव से दशम भाव है। सप्तम से दशम का भाव ये निकला कि वो सप्तम भाव को सीधा सीधा प्रभावित कर रहा है, उसकी सामर्थ्य है, और उसी भाव पर राहु की भी दृष्टि आ गई, शनि वहां पहले बैठे। तो इस खींचतान का जो असर आएगा वैवाहिक जीवन में, किसी एक्स्ट्रा की एंट्री संभव है, बाहरी लोगों के कारण आपके आपसी दाम्पत्य जीवन को दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। इस तनाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से बातचीत करके अच्छे से माहौल को बना के चलने की जरूरत है, उनके साथ अच्छा एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जरूरत इस चीज की है कि बाहर वाले कान भरें तो आप उन्हें ना भरने देना, या कैसे उनको हैंडल करना है पहले से अपनी मानसिक तैयारी करके चलिए। धन संग्रह की स्थितियां लगातार अच्छी रहेंगी, लेकिन राहु के यहाँ बैठे रहने के कारण कभी कभी कमर दर्द, पैरों में दर्द जैसी दिक्कत शिकायतें, कभी कभी थायराइड जैसी कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने में आ सकती हैं। अगर किसी को डिलीवरी होनी है तो उनको ऑपरेशन की कुछ गुंजाइशें देखने में आ सकती हैं। थोड़ी बहुत चोट भी लग सकती है, कमर दर्द होना या कमर में झटका लगना, क्रैम्प्स आना, नसें चढ़ जाती हैं, आम भाषा में ऐसा भी कहते हैं, ये समस्या भी देखने में आ सकती है। तो थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ेगी, पानी ज्यादा पीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। भाग्य की स्थिति पहले 10-11 दिन तो बिल्कुल एवरेज रहेगी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुध की पूरी पूरी दृष्टि अपने भाव पर आएगी, तो भाग्य का पूरा बल प्राप्त होगा। बृहस्पति की कृपा लगातार प्राप्त हो रही है, भाग्य की कृपा से बहुत सारे संजट और समस्याएं सॉल्व हो जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स की चर्चा अभी तक की गई उसके सॉल्यूशन कहाँ से आते हैं, सॉल्यूशन भी ग्रहों में ही निकलते हैं। तो इस वक्त पूरी कुंडली में जो सबसे स्कोरिंग स्टार हैं वो शनि और गुरु, जो कि बहुत सी समस्याओं को संभाल लेंगे। तो भाग्य का पिता के साथ तालमेल का, अब नवम भाव पंचम से पंचम भी है, यानी संतान के फर्दर सुखों को देखने के लिए भी उसे देखा जाना चाहिए, वहां भी स्थितियां बिल्कुल ठीक है। दशम भाव की स्थिति यह है कि 1 तारीख 4 तारीख 5 12 और 13 ये 5 दिन ऐसे हो सकते हैं जब आपको जीवन स्तर में कुछ अप एंड डाउन ज्यादा दिखाई दे, अन्यथा बाकी के पूरे करीब 25-26 दिन स्थितियां बिल्कुल ठीक रहने वाली हैं। जीवन स्तर अच्छा रहेगा, कामयाबियों के योग बनेंगे, स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने सीनियर्स के साथ तालमेल में कुछ दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, जिसका नुकसान आपको भविष्य में बाद में देखने में भी आ सकता है। तो थोड़े से शब्दों का कंट्रोल बना के चलिए, व्यवहार को बना के चलिए, अन्यथा आपको आज तो नहीं लेकिन आज की कड़वाहट का नुकसान कभी ना कभी देखने में आ सकता है। आमदनी का योग लगातार ठीक रहेगा, आमदनी के लिए जो सूर्य ग्रह हैं पहले आय के घर में बैठे हैं, आय का जो स्वामी है वो धन के घर में बैठा है, बाद में प्रयासों के घर में चला जाएगा तीसरे में, तो ये लगातार पूरे महीने इनकम को लेकर ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं होगी। बृहस्पति की कृपा तो वहाँ बराबर प्राप्त हो ही रही है, और खर्चे एवरेज मेंटेन रहेंगे, बहुत ज़्यादा खर्च होने का या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे ऐसा भी कोई योग नहीं। लेकिन राहु की दृष्टि भी पड़ने के कारण कोर्ट कचहरी में थोड़े पैसे लग सकते हैं, कानून के झंझटों में थोड़े पैसे लग सकते हैं, और थोड़े से इलाज में भी लग सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खर्चा देखने में आ सकता है। अगर थोड़ी थोड़ी सी भी सावधानियां बरतें तो काम चल जाएगा। राहु के बीज मंत्रों का अगर आप जाप कर लेते हैं और हनुमान जी को थोड़ा मना लेते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप या दान कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है ये आराम से सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न में, लगन में ही चार ग्रहों का जमघट रहेगा जो बाद में टूट जाएगा, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। ये 4 तारीख को यहाँ चार ग्रह एक साथ होंगे, सूर्य, मंगल, बुध और केतु। 4 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक चंद्र भी वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ में ही लगातार रहेंगे। तो ये 4 तारीख से 11 तारीख तक, ये 7 दिन, ये पूरा एक सप्ताह ऐसा होगा जब 8 ग्रह एक साथ पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होंगे। जब ऐसी स्थितियां कभी ग्रहों की बन जाती हैं तो एक विशेष आकृति योग बनता है जिसका नाम है यूप योग। अच्छा योग है, लगन से बन रहा है तो दानी होते हैं, दे सकने वाले होते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन ईगो के कारण, जिद के कारण, दे सकने की सामर्थ्य के कारण, औरों के लिए समर्पण के कारण, ऐसा भी कभी कभी देखने में आता है इस योग के कारण कि वो बहुत कुछ लुटा देते हैं और कभी कभी बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। परिवार से उनका नाता टूट जाता है, परिवार से धीरे धीरे संबंध खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये तो सिर्फ 7 ही दिन के लिए बन रहा है, बहुत बड़ा इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ कल्पना कीजिए जिनकी कुंडली में जन्म से योग बनेगा, जो बच्चे इसी दौरान पैदा होंगे, उन्हें इन समस्याओं का सामना कभी न कभी जरूर करना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति क्या है आप पिक्चर देख पा रहे हैं, और कैसे ये यूप योग बना है उसको भी मैंने ग्रीन कलर के सर्कल डाल के आपको दिखाने का प्रयास किया, जिससे कि बात आपको क्लियर हो जाए। कैसे कैसे असर आएगा, लगन के स्वामी पूरे 24-25 दिन यानी पहले 4 दिन तक तो 12वें घर में रहेंगे, वहां अच्छी स्थिति नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के या इमेज को लेकर के थोड़ी बहुत, लेकिन लमसम पूरे महीने लगन में ही बने रहेंगे और बहुत अच्छी स्थिति को बना के रखेंगे, यहां कोई भी समस्या नहीं है। तो लग्नेश का लगन में स्वग्रही होना, राजयोग का निर्माण हो रहा है, कोई समस्या नहीं। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण ये सम सप्तक अंगारक दोष बन रहा है जो लगन को कमजोर करेगा। अब लगन में राजयोग होना अपनी एक बात है, केतु उसके साथ है। अब रूल समझिए, एक बड़ा अलग सा नियम है कि केतु किसी ग्रह के साथ हो और वो ग्रह केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी होकर के ये युति यानी मंगल और उस ग्रह की युति, केतु की युति केंद्र या त्रिकोण में ही हो। दोबारा से बता देता हूं, केतु जिस ग्रह के साथ है वो ग्रह केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी हो और केतु के साथ उस ग्रह की युति केंद्र या त्रिकोण में ही बने, तो केतु उस ग्रह की सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देता है। अब केतु खुद मंगल जैसा है, इसीलिए एक लाइन होती है संस्कृत में, कुजवत केतु, यानी केतु भी मंगल की तरह प्रभाव करता है, तो मंगल का प्रभाव बढ़ गया। मंगल तेज तरार, जिद्दी, अकड़, त्याग देने वाला, अपने जिद पर कुछ भी छोड़ देने वाला होता है। तो और राहु के प्रभाव के कारण अंगारा दोष, उसमें आग लग गई, उसमें और गर्मी बढ़ गई। तो अंगारा जैसे पानी में जाता है और उसको भाप बना देता है, ऐसे ही कहीं ना कहीं सेहत को, सिर को, अब सिर का मतलब है ये, चाहे आप ब्लड प्रेशर के हिसाब से कहें, चाहे सिरदर्द के हिसाब से कहें, चाहे गैस्ट्रिक ट्रबल के सिरदर्द के हिसाब से कहें, तो सिर से संबंधित तनाव देखने में आएगा, सिर पे चोट लग सकती है, तनाव बहुत महसूस हो सकता है, ये सारी चीजें देखने में लगातार आ सकती हैं। क्योंकि पहले 16 दिन वहां पर सूर्य भी बैठे रहेंगे तो ये स्थितियां और बुरी हैं, इसमें सिर पे चोट लगना या आंखों को चोट लगने की भी थोड़ी बहुत संभावना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लगी जाएगी, पर संभावना है, डर है। तो जिनकी कुंडली में भी स्थितियां लगन की अगर वीक होंगी, वृश्चिक लगन वालों की, तो उनको ये तनाव ज्यादा देखने में आ सकता है, चोट वाला। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखना ही तो एडवांस की हमारी कोशिश है, तैयारी ज्योतिष की सिर्फ यही है कि जो हो रहा है उसके लिए हम थोड़ी तैयारी कर लें। प्रकृति ने जो तय किया वो तो हो गई। तो स्थिति ये रहने वाली है कि लगन में मंगल और केतु का योग लगातार रहेगा, सूर्य और बुध यहाँ पर 11 और 16 तारीख तक रहेंगे, फिर अपनी राशियां बदल लेंगे। तो लगन की स्थिति लमसम मैंने बयान कर दी, त्याग, दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए काम आना, अपनी सामर्थ्य को धीरे धीरे, अपनी अपनी पूंजी को औरों के लिए खर्च कर देना, समर्पण का भाव बढ़ता जाता है। और इसे कहते हैं कि सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में, मतलब सबका टेंशन खुद लेना, ये योग रहेगा। भाषा के घर में शुक्र बैठे हैं, मोस्टली बड़ी संतुलित भाषा बोलते हैं, कम शब्दों में अधिक सार गर्भित बात करते हैं, और शुक्र के कारण ये प्रेम थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन जब ये शुक्र चेंज कर जाएगा 9 तारीख को, यहाँ धीरे धीरे सूर्य बुध आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भाषा में धार अधिक आएगी, कठोरता अधिक आएगी। इसका नुकसान ये होगा कि आप अकेले पढ़ना शुरू होंगे, अब आपके सपोर्टर नहीं है, आपके साथ देने वाले नहीं। जब हम किसी को सीधे सीधे शब्दों में किसी चीज़ के लिए या तो मना कर दें या कह दें कि हम इतना ही कर सकते हैं, तो कुटुंब के लोग आपसे जो उम्मीद करते हैं, जो आपसे भाव बांधते हैं, उन्हें तकलीफ होती है।
तो कहीं ना कहीं कुटुंब के साथ तालमेल, घर के साथ तालमेल की दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, भाषा की खराबियां देखने में आ सकती हैं, आंखों से संबंधित तनाव, खासतौर पर सीधी आंख को तनाव देखने में आ सकता है, इसकी सावधानी रखने की जरूरत है। प्रयासों का योग बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहेगा भाइयों से तालमेल इस लिहाज में कि वो आपके आपके बात से सहमत हों और सहयोग करें, आपके जूनियर आपके सीनियर आपको सहयोग करें, तो ऐसा नहीं है, भरपूर मौका मिलेगा काम करने का, या शायद कुछ ज़्यादा ही मौका मिलेगा, जिसका कितना फ़ायदा होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन मौका बहुत मिलेगा, रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। तो प्रयास करेंगे, अपने जूनियर सीनियर के साथ तालमेल की स्थितियाँ ठीक रहेंगी, एक गुट बना के ग्रुप बना करके काम करने का योग रहेगा, इसका लाभ होगा। सुखों के घर में बृहस्पति देव बैठे हैं, चौथे घर में अच्छी स्थिति है, तो सुखों की स्थिति यानी संतोष का भाव रहता है कि बेशक मेरे पास नहीं है लेकिन मैं किसी के काम आ सका, किसी के लिए कुछ कर सका। तो वृश्चिक में एक नेचर होती है कि वो अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करने के ज़्यादा सोचते हैं, थोड़े से सिंगल ट्रैक आदमी होते हैं, स्थिर लगन वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन आमतौर पर उनमें सहयोग का भाव होता है, उनमें लीडरशिप होती है पैदाइशी तौर पे। संतान के सुखों की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि संतान के सुखों के स्वामी अपने से बारहवें घर में बैठे हैं और वहाँ किसी भी ग्रह की जो दृष्टि की बात करते हैं सिर्फ शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि केतु और शनि दोनों पापी ग्रह हैं और उस भाव का स्वामी अपने से बारहवें बैठा है, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे भी गोचर में आमतौर पर चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह ज़्यादा असर करता नहीं है। तो जो नए सिरे से संतान के इच्छुक हैं उनके लिए लगभग योग नहीं है, बाद में बनेगा जब बनेगा पर फिलहाल नहीं है। तो संतान के योग की स्थितियां कमजोर हैं, नए सिरे से संतान पैदा होने वाली योग नहीं है, विवाह के योग भी बहुत कम है, अभी नहीं बनेंगे, ये काफ़ी समय के बाद बनेंगे, इस पूरे महीने ऐसी संभावनाएं कम है कि विवाह वृश्चिक लग्न के ज़्यादा बने। तो संतान का योग कम हो गया, सेहत का योग कम हुआ, डाइजेशन की तकलीफें बढ़ेंगी, पांचवा घर से दिखता है, सही मौके पे सही डिसीजन लेना जो दूर तक आपका भी नुकसान ना हो, यानी आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं इसमें औरों का तो फायदा हुआ पर आपका नुकसान हो गया, तो ये एक स्थिति लगातार बनी रहेगी। शत्रु पक्ष पर जबरदस्त विजय प्राप्त करने का योग रहेगा, यानी आप पर शत्रु हावी नहीं हो सकते, आपका सामना करने के लिए दम चाहिए जो है ही नहीं उनके पास। वैवाहिक जीवन की स्थितियां थोड़ी एवरेज रहेंगी पहले 9-10 दिन, उसके बाद में स्थितियां ठीक रहेंगी। राहु के यहाँ रहने से तेज तरार पत्नी जो अच्छे मौके पर सही सहयोग दे सकती हो, ऐसे ससुराल वाले जो सही मौके पर सही सहयोग दे सकते हो मिल सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पे एक अच्छी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो वैवाहिक जीवन में पहले 9-10 दिन थोड़ी बहुत 19-20 दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। लग्न जितना ज़्यादा प्रभावी होता है उसका प्रभाव हर हालत में सातवें भाव पर भी आता है क्योंकि वहाँ राहु है और मंगल की दृष्टि है, तो स्वास्थ्य को लेकर, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, लेकिन सहयोग मिलने की स्थितियाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। धन संग्रह की स्थिति की बात करते हैं तो पहले कुछ दिन, खासतौर पर 11 दिन तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, लग्न में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन उसके बाद वो धन भाव में आ जाएगा और वहाँ से उसकी पूरी पूरी दृष्टि रहेगी, तो कुछ धन भी इकट्ठा किया जा सकता है जो बाद में औरों के काम आ सकता है। तो धन का योग, भागदौड़ का योग, यात्राओं का योग यहाँ पे लगातार बना रहेगा, कुछ नए सोर्सेज से पैसा कमाने का भी मौका मिल सकता है। उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत बना रहेगा क्योंकि जो भाग्य के स्वामी है वो बड़ी जल्दी जल्दी यहाँ पे अपनी राशियों को बदलेंगे। ऐसी कुछ तिथियाँ मैं आपको लिखवाता हूँ, कई सारी 6, 7, 14, 15, 16, 19 और 20, ये कुल मिलाकर के 7 दिन ऐसे हो सकते हैं कि जब भाग्य कभी लगेगा कि साथ दे रहा है, कभी लगेगा साथ नहीं दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत ऊपर नीचे स्थितियां देखने में आ सकती हैं। जीवन स्तर ठीक है, पहले 16 दिन तक जब तक लगन में रहेगा तो बहुत अच्छा है, मान सम्मान रुतबा पोजिशन सब मेंटेन रहेगा, उसके बाद 1-2% कम हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर जीवन स्तर को लेकर के, स्टेटस को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के, रुतबे को लेकर के, हमारी शान हमारे मान को लेकर के कोई समस्या नहीं, कोई उंगली नहीं उठा सकता, यानी आपका ऑन दी ऑल इस पूरे महीने की स्थितियां इस तरह की बनी रहेंगी। आमदनी का योग लगातार अच्छा बना रहेगा पूरे महीने, ऐसा एक भी दिन नहीं है जब इस आमदनी को लेकर के स्थितियां अच्छी ना हो। खर्चों की स्थितियां ये हैं कि पहले थोड़े खर्चे हो सकते हैं थोड़े से ज़्यादा हों, लेकिन लमसम खर्च ज़्यादा ही होगा, तो कमाई अगर आ रही है तो खर्चे भी होंगे, उसके रास्ते निकलेंगे, पर आम तौर पे खर्च दूसरों के सहयोग, दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हो सकते हैं।
इस पूरे महीने लमसम जो स्थितियां हो सकती थी उसके ऊपर चर्चा होगी। किसी खास ग्रह को अगर ठीक करना है तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करना जरूरी है। मंगल ग्रह को संभालना है और राहु को संभालना है, ये दो ग्रह ही लग्न को और सप्तम भाव को सबसे ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। तो अगर हम इन्हें संभाल लेते हैं तो स्थितियां आराम से निकल जाएंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बात बन जाएगी। तो मंगल के बीज मंत्रों का जाप और राहु के बीज मंत्रों का जाप यहाँ किया जा सकता है, इसका लाभ आपको होगा। अब बारी आ जाती है धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए स्थितियां ये रहेंगी, ये आखिरी के जो 24-25 दिन रहेंगे, चार ग्रहों का जमघट लगातार रहेगा, मंगल केतु सूर्य बुध का 12वें घर में। 12वें घर में इतने सारे ग्रहों का होना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसका नुकसान ये होगा कि आपके खर्चे ज्यादा होंगे और बहुत ज्यादा ऊटपटांग खर्चे भी होंगे। ऊटपटांग का अर्थ है कि जो जरूरी नहीं थे। तो लगन से शुरू करते हैं। लगन के स्वामी लगातार गुरु 3रे घर में बने रहेंगे, ये कोई बहुत शानदार योग नहीं है। लग्नेश का 3रे घर में होना कोई बहुत शानदार योग नहीं, इसका अर्थ ये निकलता है एक एवरेज स्थिति है। सेहत को लेकर कुछ कम ज्यादा होना, कुछ समस्याओं का थोड़ा बहुत देखने वाला, क्योंकि जो 3रा घर है वो अष्टम भाव से अष्टम है, यानी अष्टम से अष्टम मृत्यु भाव, भाव से भाव के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। थोड़ा सा तनाव बना रह सकता है, एक बात हो गई। अब दूसरे भाव की स्थिति की बात करते हैं तो वहां शनि स्वग्रही होकर बैठेंगे। परिवार का, कुटुंब का, दोस्तों का जबरदस्त सहयोग प्राप्त होगा, धन का भी योग बराबर बना रहेगा। तो एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं तो हमारा परिवार हमारे साथ बहुत मजबूती से खड़ा हुआ हमें साथ दिखाई देगा, इसका भी बहुत बड़ा सहारा होता है और ये पूरे महीने लगातार रहेगा। बाद में शुक्र जो है शिफ्ट कर जाएंगे 9 तारीख को शनि के साथ, तो भी स्थितियां ठीक बनी रहेंगी। यहाँ राहु की दृष्टि का ज्यादा असर इसलिए नहीं है, राहु 6ठे में बैठा है और मोटे तौर पर 6ठे में बैठा हो राहु बुरा प्रभाव नहीं करता, शत्रुओं पर उसका दबाव और प्रेशर ज्यादा होता है। मैं हमेशा इस चीज में बहुत बिलीव करता हूँ, देखिए आपके शत्रु हैं और आपने उन्हें जीता तो लड़ना तो आपको भी पड़ा, वक्त तो आपका भी खर्च हुआ। तो शत्रुओं का होना और उन्हें जीत लेना के बजाय कितना अच्छा होता कि शत्रु ही नहीं होता तो लड़ना ही नहीं पड़ता, टाइम बच जाता। तो कहीं ना कहीं राहु हमें झंझटों में फंसा के रखेगा, जिसका हमें नुकसान पूरा महीने देखने में आ सकता है। तो ये स्थिति हो जाती है। सुखों की बात करते हैं तो बिल्कुल एवरेज स्थिति रहेगी। सुखों के स्वामी अपने से 12वें घर में बैठे हैं। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के 1-2% शायद दिक्कत हो जाए, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, पर शनि की दृष्टि के कारण छोटी मोटी तकलीफ होने, मांसपेशियों से संबंधित तकलीफ, पैरों में दर्द की शिकायतें देखने में आ सकती हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए आपका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रह सकता है, शायद परफॉर्मेंस उतनी ना निकले, ये एक एवरेज स्थिति हो सकती है। संतान को लेकर के भी तनाव बना रह सकता है, संतान आपसे दूर शिफ्ट हो सकती है, पढ़ने के नाम पर भी जा सकते हैं, शादी होकर के दूर जा सकते हैं, नौकरी के नाम पर भी आपसे दूर हो सकते हैं। तो कुछ हालात ऐसे बनेंगे जहां संतान आपसे दूर होगी। सही मौके पे बहुत से डिसीजन आपसे सही नहीं लिए जाएंगे, कुछ भूल चूक जरूर हो जाएगी, ये भी देखने में आएगा, क्योंकि भाव का स्वामी अपने से 8वें घर में चला गया तो खर्च हो गया। तो इन सब चीजों से, इन सब गलतियों के कारण कुछ कानूनी दिक्कतें भी आपको देखने में आनी चाहिए। उन कानूनी दिक्कतों या किसी भी तरह की दिक्कत, जरूरी नहीं कि कोर्ट की बात होती है, कभी कभी डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बिजली का बिल भी हो सकता है, ट्रैफिक का चालान भी हो सकते हैं, ये आपको देखने में आएंगे। कुछ इलाज के नाम पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि इलाज आपका खुद का हो, किसी को सहयोग के नाम पर फैमिली के किसी मेंबर के लिए इलाज की आपका भागदौड़ बढ़ी तो पैसा तो आप ही का खर्च हुआ। तो सुखों को लेकर के यहाँ स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी नहीं रहेंगी, इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। संतान के साथ सुखों को लेकर स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं, उनसे तालमेल के लिए भी आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने में आ सकती है, तो थोड़ा सावधान रहने जरूरत है। शत्रु पक्ष मजबूत है, यानी आप उनमें जीतेंगे ही जीतेंगे, वो समस्या नहीं है, लेकिन 12वें घर में राहु के रहने से एक छोटा सा नुकसान होता है, कभी कभी दांतों को तकलीफ देखने में आती है, पैरों में दर्द की शिकायतें देखने में, घुटनों में दर्द की शिकायतें भी देखने में आ सकती हैं। ये अगर हम वैवाहिक जीवन के सुखों की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर बुध जो है पहले तो बैठे रहेंगे 12वें घर में, पहले 9 दिन तो वो अच्छी स्थिति नहीं है, वहाँ तालमेल को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब उसके बाद वो लगन में आ जाएंगे तो लगातार उसकी पूरी पूरी दृष्टि 30 तारीख तक अपने घर पर पड़ेगी। तो जीवन साथी के साथ तालमेल, व्यवहार की स्थितियां यहाँ पे ठीक बनी रहेंगी, ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन कारक थोड़ा सा यहाँ पे पीड़ित हो रहा है। कैसे हो रहा है? शुक्र शनि के साथ भी होगा, दूसरे भाव में भी होगा और राहु की दृष्टि भी होगी, तो थोड़ा बहुत उथल पुथल वैवाहिक जीवन में हो सकती है, पर ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, भागदौड़ के हिसाब से आपके पैसे खर्च होंगे, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। ये रोजमर्रा की आमदनी को भी 7वां घर होता है, देखो दशम भाव से दशम भाव है, तो ये रोजमर्रा की हमारी आमदनी भी हम यहाँ से देखते हैं, तो वो स्थितियां भी ठीक लगातार यहाँ पे बुध की कृपा से बनी रहेंगी।
लगन में सूर्य होने पर थोड़ी ईगो बढ़ती है, जिद बढ़ती है, ये देखने में आएगा 16 तारीख के बाद। तो इस जिद के कारण कभी कभी तो बहुत से मामले सॉल्व होते हैं, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं। तो थोड़ा सा सिर पे चोट लगना, बालों का झड़ना, आंखों में दर्द की शिकायत देखने में आना भी हो सकता है। तो बहुत माइनर सावधानी की जरूरत पड़ेगी। लगन के दोनों तरफ दो पापी ग्रह बैठते हैं, एक तरफ मंगल स्वग्रही होकर के बैठा है केतु के साथ, दूसरी तरफ शनि स्वग्रही होकर के बैठा है। तो मैं इसे पाप कर्तरी दोष नहीं कह रहा हूं, लेकिन लमसम दोनों तरफ जब लगन के पापी ग्रह, लगन में भी पापी ग्रह बैठा हो और लग्नेश की स्थिति बहुत मजबूत ना हो, तो सेहत को और इमेज को लेकर के उस तनाव जरूर देखने में आ सकता है। धन संग्रह के जो योग की स्थिति है, 4 और 5 तारीख ऐसी हो सकती है जब आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च होता हो दिखाई दे या ज्यादा ब्लॉक लगे, बाकी तो रूटीन खर्चे होंगे। भाग्य की स्थितियां पहले 16 दिन तो ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि वो 12वें घर में, लेकिन फिर वो लग्न में आ जाएगा तो ये अच्छी स्थिति होगी। पिता से सहयोग, पिता का आशीर्वाद, सरकार से संबंधित आपको कुछ कृपाएं, संतान की संतान से मिलने वाले सुखों के योग 16 तारीख के बाद लगातार अच्छे बने रहेंगे। तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, संतान का भी सहयोग मिलेगा और पिता से भी तालमेल की स्थितियां यहाँ पे इंप्रूव होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये स्थितियां इंप्रूव कब हो रही है? 16 तारीख के बाद। दशम भाव की स्थिति यह है कि जो भाव के स्वामी हैं वो लगभग पूरे महीने, मोटी मोटी बात करते हैं तो पहला हफ्ता या 10 दिन छोड़ दें, 9 तारीख 11 तारीख से लेके 31 यानी पूरे 20 दिन लगन में रहेंगे। तो जीवन स्तर इंप्रूव होगा, धन संग्रह की स्थितियां यहाँ पे अच्छी बनी रहेंगी और इसमें कोई समस्या आपको देखने में नहीं आएगी। तो धन की योग बने रहेंगे, स्टेटस की योग बने रहेंगे, रुतबा बना रहेगा। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि इसका फायदा क्या ले पाएंगे। यहाँ बहुत फायदा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लगन वीक है और 12वें घर में पापी ग्रह, लगन के दोनों तरफ दो पापी ग्रह। तो कुल मिलाकर की स्थिति अभी तक यह है कि जीवन स्तर की स्थिति तो ठीक है, वो ज्यादा दिक्कत में नहीं आ रही, यानी हम पे डायरेक्ट हमला नहीं हो रहा, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हम पे सिरदर्दियां आ रही हैं। एक होता है कि आपकी नौकरी छूट गई, ऐसी बात नहीं हो रही, एक हो रहा है कि उस नौकरी के साथ बेमतलब का ट्रांसफर हो गया, अब हम परेशान होते फिर रहे, मजा नहीं आ रहा। लेकिन अब आप इसे अलग तरह की परेशानी बोलेंगे, नौकरी छूटना अलग तरह की परेशानी होती है। आमदनी के योग की स्थितियां लगातार ठीक बने रहेंगी, उसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। धन का योग, आय का योग दोनों बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इनकम अपनी जगह एकदम सेपरेट फीचर है। 12वें भाव में 12वें भाव का स्वामी अगर स्वग्रही होता तो ये भी एक राजयोग है, केतु वहां बैठते हैं। अच्छा, ये एक अलग नियम है, अगर लगन मजबूत हो और केतु 12वें घर में हो तो ये मोक्ष प्राप्त करने का योग भी होता है। इसमें और भी एक दो छोटी छोटी कंडीशन है, लेकिन मोटी कंडीशन यही है। तो यहाँ मोक्ष की स्थितियां तो खैर नहीं बन रही है, लेकिन केतु के 12वें घर में और मंगल के साथ 12वें घर में जो वो आधे महीने रहेगा लगातार 16 तारीख के बाद पूरा, ये अच्छा योग नहीं है। पूरे महीने भी दिक्कतें ज्यादा हैं, पर दिक्कतें पहले 4 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक ज्यादा आएंगी, खर्चों की, सिरदर्दी की, भागदौड़ की या इलाज की। बाद में उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, थोड़ी तो जरूर आएंगी पर ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पूरे महीने की लमसम सारी स्थितियां क्या होंगी, कैसे कैसे उनका भावों पे प्रभाव होगा, उसका किस तरह असर हमें समझना चाहिए, ये चर्चा अभी कर ली। लग्न को मजबूत किया जाना बहुत जरूरी है। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना, बीज ग्रह जो उनके बीज मंत्र हैं उस ग्रह के, अगर हम उसको करते हैं तो उम्मीद है कि स्थितियां कम से कम खराब होंगी या नहीं भी होंगी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरत है। और सूर्य ग्रह के बीज मंत्रों का भी जाप कर लेना चाहिए। तो बृहस्पति के और सूर्य ग्रह के लिए अगर हम बीज मंत्रों का जाप और उनसे संबंधित दान की बात करते हैं तो उम्मीद यह है कि समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज का वीडियो यहीं पे पूरा करते हैं और अगला एक और एपिसोड बनाएंगे जिसमें बची हुई 3 लग्ने मकर, कुंभ और मीन की चर्चा की जाएगी। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहा है, आप व्हाट्सएप कीजिए, आगे आपको कितनी फीस और कैसे देनी है वो सभी जानकारी दे दी जाएगी। ये सारी बातचीत टेलीफोनिक होती है, फोन पर आप जो भी समस्याएं जानना चाहेंगे उसके संबंध में आपसे वार्तालाप की जा सकती है, समझाने का प्रयास किया जा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।